वेलकम बैक टू फोर्जा होराइजन। ओके, अभी हम है अपने स्पैनिया GTA गाड़ी के अंदर, विच इज वेरी नाइस। भाई इंटीरियर देखना है इसका, नाइस नाइस। तो आज एक दो छोटे मोटे टास्क है मेरे को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक घर परचेज करना है। यस, हाँ, इस गेम में घर भी होता है। तो ये एक्चुअली मेरा घर है, मेरे पास घर है, ऐसा नहीं कि मैं बेघर हूँ, मेरे पास एक घर है। बट आई थिंक वो फ्री घर है, पता है जो भी गेम ज्वाइन करता है एक दो घर दे देते हैं उसको। ये मेरा घर है, देख सकते हो आप, द गैबल्स, नाइस। इसका टूर दे देता हूँ मैं आपको। एंड ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है, ये बड़ा दिखता है बट इट्स नॉट नाइस यार। मेरे को एक सेपरेट एक बड़ा घर खरीदना है जिसके अंदर बड़ा पार्किंग हो, मैं सारी गाड़ियाँ रख सकता हूँ वहाँ पर, ऐसा। तो एक दो घर मेरे को मिला है, ये वाला किंगफिशर कॉटेज एक, एंड आई थिंक नॉर्थ या वेस्ट में कहीं पर तो एक, नो आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पर है दूसरा घर। बट ऐसे ही दो तीन घर है जिसको हम परचेज कर सकते हैं, एंड उसके अंदर ऑब्वियसली हमें पर्क्स मिलता है, लाइक मिस्ट्री व्हील्स मिल सकता है एंड बढ़िया बढ़िया क्लोथिंग भी मिल सकता है आई थिंक। तो पहले तो वो करना है मुझे, एक घर परचेज करना है बढ़िया वाला। एंड जैसा मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में, मैं आज परचेज करने वाला हूँ बुगाटी चिरॉन या बुगाटी वेरॉन। मैंने दोनों को परचेज किया हुआ है, दोनों को ट्राई किया हुआ है, दोनों इट्स ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया गाड़ी नहीं है बुगाटी, इट्स ऑल राइट। तो पहले तो भाई एक घर परचेज कर लेते हैं, रहने के लिए जगह मिल जाए पहले तो, एंड देन बाद में बुगाटी वगाटी देख लेंगे भाई। एंड अभी 3.6 किलोमीटर दूर है हम अपने घर से, नए वाले घर से। एंड एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है भाई, 9.8 मिलियन है मेरे पास, दो तीन घर खरीद सकता हूँ मैं, ऐसे ही दान दे सकता हूँ लोगों को मैं। तो घर चलने के बाद टूर वगैरह देख लेते हैं, घर कैसा लगा, अच्छा लगा तो वही खरीद लेंगे, नहीं तो भाई दूसरा घर देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज मैंने अपना कंट्रोलर चार्ज कर दिया, मैंने रियलाइज नहीं किया कल पिछले वाला जो भी वीडियो डाला था मैंने, उसमें मेरा कंट्रोलर का बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन था, इसीलिए यू नो रिस्पॉन्सिव नहीं था कंट्रोलर। अभी भी ठोक रहा हूँ मैं, अरे भाई पूरा डेंट वेंट पड़ गया मेरे गाड़ी पर, इसको रिपेयर भी कराना पड़ेगा बाद में। ओके, जैसे तैसे करके हम आ गए फॉर सेल किंगफिशर कॉटेज, पहले घर का टूर वूर कर लेते हैं। भाई ये क्या है, ये घर इतना छोटा घर क्यों है भाई, मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ा बड़ा पार्किंग वार्किंग भी चाहिए मेरे को। ओके, यू नो व्हाट, पहले देख लेते हैं घर को, व्यू हाउस क्लिक कर देते हैं। ऑलराइट, आई होप पार्किंग करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह हो, दैट्स इट। ओह नो 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 भाई, ये क्या यार, ये भाई फुद्दू लग रहा है घर, तो नहीं चाहिए भाई मेरे को ये, इसके आगे मैं कोई भी गाड़ी नहीं रख सकता आई एम डैम श्योर। तो बैक चलता है, एंड आई थिंक मेरे को एक और घर दिखा था फॉर सेल, यहाँ पर है भाई, जूम करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर है, 2 लाख की घर है ये, 2 लाख का घर मतलब इतना बड़ा भी नहीं होगा पार्किंग। तो यहाँ पर एक और है, नहीं नहीं ये मेरा घर है, एग्जिस्टिंग घर है ये, ओ यस ये वाला, इसकी बात कर रहा था मैं, डरवेंट वेंशन, 1.5 मिलियन का घर है, मतलब बहुत ही बड़ा होने वाला ऑब्वियसली। एंड देन आई थिंक पार्किंग स्पेस भी होना चाहिए राइट, बट द प्रॉब्लम इज 6.1 किलोमीटर दूर है भाई, इतना ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को। एंड हाँ एक सेकेंड मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने थोड़ा ऑफ रिकॉर्डिंग खेला इस गेम को, एंड मैंने परचेज कर लिया लैम्बोर्गिनी वेनेनो अवेंटेडोर, एंड देन एक रेंज रोवर भी खरीदा क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है गेम के अंदर, एंड विंटर में रेंज रोवर चलाना बहुत ईजी ऑब्वियसली। तो वेनेनो मेरे को पड़ा लाइक 5 मिलियन का आई थिंक, ये एक्चुअली पूरा अपग्रेडेड कार है, मैंने ऑक्शन से खरीदा इसको। तो लेट्स सी, इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलते हैं अपने वेनेनो को। ओ भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, डैम। हाँ मैं गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज करना चाहता हूँ, डैडी लिखा है, हाँ आई गेस आई चेंज इट टू सॉजी, बाद में करेंगे उसको। अरे भाई मेरे को विंटर सीजन पसंद नहीं है भाई, गेम के अंदर, रियल लाइफ में पसंद है बट गेम के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट होता है, गाड़ी चला भी नहीं पा रहा मैं विंटर में। ये प्रॉब्लम है कि मैं टॉप स्पीड नहीं जा सकता, टॉप स्पीड जाऊँगा तो पूरा ड्रिफ्ट करने लगेगा ऑन स्पॉट, चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली। अरे भाई 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 लैम्बो नहीं उड़ाना, ओह शिट, बहुत ज़्यादा महंगा गाड़ी है, सर्कस नहीं करना चाहता इसके अंदर, नहीं। ओ ठोक दिया यार, ठोक दिया, अरे फिर से ठोक दिया मेरा गाड़ी लैम्बो। अरे भाई ड्रिफ्ट हो रहा है यार, चला नहीं पा रहा मैं, स्नो से ऑब्वियसली फिसल जाता है गाड़ी। हाँ
अरे भाई मैं ऑफ रोडिंग लेके चल रहा हूँ, भाड़ में जाए लैम्बो रिपेयर कर लूंगा बाद में, पहले जल्दी जल्दी पहुंचना है घर। 3 किलोमीटर दूर है बस, मैं ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग जा रहा हूँ तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओ नो 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 नो, मेरा लैम्बो गया भाई, पूरा तहस नहस हो गया लैम्बो मेरा। ओ वेट, बाय द वे कमेंट करके बताना क्या आपको हैंड कैम अच्छा लग रहा है कि नहीं। मेरे को ऑब्वियसली मैनीक्योर वगैरह करवाना पड़ेगा, मेरा गंदा हो चुका है पूरा हाथ। मेरे को बहुत सालों से ट्राई करना था ये हैंड कैम वगैरह, दूसरी बार कर रहा हूँ मैं, मेरे को मज़ा आ रहा है एक्चुअली हैंड कैम वगैरह करने में। क्या आपको अच्छा लग रहा है कमेंट में बता दियो, एंड कोई चेंजेस करूँ मैं उसको भी बता दियो। ओके फाइन, वी रीच डर हाउस डरवेंट मैंशन, आ गए हम। कहाँ पर है भाई मैंशन? लेट्स गो ऑन अ टूर पहले। अरे ठोक दिया भाई, मैं अपने ही घर को ठोक रहा हूँ। ओ वो लेफ्ट में जो घर दिख रहा है वो है शायद, ये एंट्रेंस तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ओ डैम भाई, रात में क्यों आ गया मैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ भी। ऑलराइट, तो यहाँ पर बैठने के लिए बेंच वेंच, अरे भाई मैंने स्नोमैन को मार दिया। ओ शिट, ऑलराइट पार्किंग स्पेस तो आई थिंक फाइन है राइट, 2-3 गाड़ी से ज़्यादा पार्क नहीं करने वाला मैं इसके बाहर, इट्स फाइन, खरीद लेता है भाई। अरे भाई तोड़ फोड़ कर रहा हूँ अपने घर में। ओके फॉर सेल डरवेंट मैंशन भाई, डिस्काउंट दे दिया 1.5, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा यार, मेरे को अभी बुगाटी भी खरीदना है। ओके आई विल गेट 5 सुपर व्हील स्पिन्स, ओ भाई बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है इसके, मतलब गोल्डन टैंक टॉप, इसका क्या मतलब है भाई, शर्ट वर्ट होगा क्या? ओके इट्स फाइन, 1.5 मिलियन का घर परचेज कर लेते हैं। हाउस परचेज डरवेंट मैंशन, कितना बढ़िया लग रहा है यार। ओके मैंने इसको अपना घर सेट कर दिया, तो अगर कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो मैं यहीं पर रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ। ओके तो पहले तो भाई अरे नहीं, शिट शिट, नहीं 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 नहीं, व्हील स्पिन मिला है मुझे, 5 व्हील स्पिन मिला है, सो यूज कर लेते पहले, आई होप पैसा मिले मुझे, गाड़ी नहीं चाहिए मेरे को, बस पैसा चाहिए। अरे यार कम ऑन भाई, क्या यार। ओ डॉज वाइपर 13 मिला मुझे, उसका कोई यूज नहीं है, महंगा गाड़ी भी नहीं है, वो बिकता नहीं है। ओके अनदर वन, ओ लेट्स गो 4 लाख रुपीस, एंड एक मासेराटी A6V। ओके फाइन, थोड़े और पैसे, नहीं ये कौन सा गाड़ी है भाई, ईगल स्पीडस्टर, सेल होगा कि नहीं ऑक्शन में पता नहीं, मैं इसको बेचने वाला हूँ ऑब्वियसली बाद में। एंड 4 लाख, ओ माय गॉड लेट्स गो भाई, वसूली हो रहा है, घर का पैसा ऑलमोस्ट आ गया वापस। एंड एक GT3, ओके पोर्शे है ये, पोर्शे 911 GT3 RS, ये पहले था मेरे पास। एंड ओके भाई कोई बात नहीं, आई वोंट कंप्लेन, मेरे को 8 लाख मिला, 8 लाख CR। ऑलराइट ये मेरा घर है अभी, ऑब्वियसली सेफ रहना होगा मुझे, रैश ड्राइविंग नहीं करना, अपने घर को नहीं तोड़ना। कितना बढ़िया दिख रहा है यार ये घर, देखा ये स्नोमैन कितना बढ़िया दिख रहा है, देखो एक और व्हील स्पिन मिला मुझे। ऑलराइट कैसे पता नहीं, बट देखते हैं भाई, पैसे दे दो। अरे यार M5 BMW मेरे पास है ऑलरेडी। ओके तो फर्स्ट गोल कंप्लीटेड, मैंने घर खरीद लिया 1.5 मिलियन का, एंड देन व्हील स्पिन भी मिला मुझे, 8 लाख रुपीस मिला, क्रेडिट्स मिला, पैसा ऑलमोस्ट वसूल हो भी गया। एंड आई थिंक अभी मैं जाने वाला हूँ फेस्टिवल में, अगेन फेस्टिवल एक मेन एरिया जहाँ पर सारे ऑक्शंस इवेंट्स वगैरह वहीं पर होता है, रेसिंग के अलावा कुछ भी करना है तो यू हैव टू गो टू फेस्टिवल। ऑलराइट यहाँ पर ऑक्शन हाउस है, एंड ऑक्शन हाउस में जाकर मैं बुगाटी परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं शॉप से खरीदूंगा तो मेरे को एक्चुअली महंगा पड़ने वाला है, ऑक्शन में मेरे को सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड गाड़ी मिल जाएगा, मैं टेस्ट करने के लिए खरीद रहा हूँ बस। अब बुगाटी की तरह है यहाँ पर है, अरे भाई 2.6 मिलियन की गाड़ी है ये भी। हाँ मैं ऑब्वियसली वेट कर सकता हूँ भाई ऑक्शन एंड होने के लिए, लाइक मैं बिडिंग प्लेस कर सकता हूँ, तो कम पैसे में खरीद सकता हूँ मैं इफ आई एम लकी। कार क्लास राइट, यहाँ पर कार का क्लास एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, क्लास मतलब उसका पावर, X मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, S2 मतलब उससे थोड़ा कम, ऐसे S1 ABCD ऐसा चलता है। सो X इज़ द मोस्ट पावरफुल कार, X का कोई भी चिरॉन मिल जाए। ओके यही वाला है, 2.6 मिलियन का, आई डोंट नो भाई 2.6 मिलियन तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ओ यहाँ पर एक और है भाई 2.1 मिलियन का, ठीक है भाई 2.1 मिलियन का खरीद लेते हैं, बढ़िया कार है ये भी, बढ़िया दिखता है। 2.1 मिलियन खर्चने वाला हूँ मैं इस बुगाटी पर, बुगाटी अच्छा भी नहीं है भाई गाड़ी, ब्रांड नेम है बस इसलिए इतना एक्सपेंसिव है। बाय आउट सक्सेसफुल, एंड आई वन द बुगाटी चिरॉन, मेरे को अजीब लग रहा है इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया इसके ऊपर। तो कि मैं बुगाटी को रोड पर लेके आता हूँ, एंड लेट्स सी इसका टेस्ट वगैरह करते हैं, आई विल मीट यू ऑन द रोड। ओ भाई साहब क्या बढ़िया दिख रहा है यार, अरे नहीं नहीं ठोकला मत। ओ भाई क्या बढ़िया दिख रहा है यार ये बुगाटी, इंटीरियर देखते हैं इसका,
डैम भाई क्या क्लीन दिख रहा है, देखना एक मिनिमलिस्ट एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गाड़ी है। एंड इसका कोई स्पॉइलर नहीं है क्या बुगाटी का? अरे है भाई, ऊपर नीचे होता है स्पीड के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रहा है भाई। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बुगाटी ड्राइव करने में उतना अच्छा गाड़ी नहीं है, बट लुक्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आई लव बुगाटी। एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलते हैं इसको पहले। बुगाटी आई थिंक 370-380 मैक्स स्पीड होगा। ओ वेट, ये अपग्रेडेड गाड़ी है तो आई थिंक 400 या 420 तक जाएगा मैक्स। अरे भाई नहीं भाई 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 भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, विंटर में चला नहीं सकता मैं बुगाटी। इसका एक और प्रॉब्लम है भाई, मैं ऐसे गाड़ियाँ विंटर में चला नहीं सकता, स्नो की वजह से स्लिप होता है बहुत ज़्यादा गाड़ी, तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। मैं टॉप स्पीड भी नहीं जा सकता रोड के ऊपर। ओ नाइस, फर्स्ट पर्सन में ड्राइव करके देखते हैं। डैम भाई कितना क्लीन दिख रहा है यार इंटीरियर, मेरे को बुगाटी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा पसंद, देखना कितना क्लीन दिख रहा है देखो। अरे नहीं 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 भाई 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 नहीं नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, ठोक दिया ऑलमोस्ट बुगाटी को। बुगाटी ठीक है, मिल गया बुगाटी। अभी नियर बाई कोई रेस चलता है एंड अपने बुगाटी चिरॉन को टेस्ट आउट करता है। बहुत ही ज़्यादा महंगा गाड़ी है, अगेन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। मैं यहाँ पर हूँ तो यहीं पर कोई डर्ट रेसिंग है आई थिंक। हाँ चलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ एंड बुगाटी ऑब्वियसली एक लग्जरी कार है तो ये ऑफ रोडिंग बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर आप इसको ऑफ रोडिंग लेके चलोगे तो आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो आप। एंड आपको मेरा सांता कॉस्ट्यूम कैसा लगा कमेंट करके बता दियो। अभी विंटर भी चल रहा है गेम में तो सूट भी करता है ये कॉस्ट्यूम। अरे भाई मैं ऑटोमेटिकली इधर लेके जा रहा हूँ, अपने हाथ को यहाँ पर लेके जाना है मुझे। लेट्स स्टार्ट द रेस। अरे भाई साहब, लैम्बो बुगाटी फरारी सब लोग हैं यहाँ पर। अरे वाह भाई, अरे कंट्रोल करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अरे बीच में ब्रेक क्यों मार रहा है भाई, मेरे को तकलीफ होता है ड्राइविंग करने में। कट मारो कट मारो, नाइस ये बढ़िया कट था। मैं सेवेंथ में आ गया। ओ वेट, आगे जा सकता हूँ मैं अभी भी? नहीं नहीं जा सकता, ठोक दिया मैंने। अभी टेंथ में आ गया भाई साहब, मैं सांस तो लेने दो भाई। एक लैप ऑलमोस्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ओके एक लैप हो गया एंड देन दो और लाभ बचे, ऐसे दो बार वापस घूमना है मुझे। भाई मैं चला नहीं पा रहा, सही में बुगाटी नहीं चला पा रहा मैं। आई हैव टू वेट टिल इसका सीजन चेंज हो जाए। मुझे नहीं पता कैसे चेंज होता है गेम का सीजन, बट जब स्प्रिंग या समर हो जाए तो बड़े भाई मैं ऐसे चलाने वाला हूँ बुगाटी को। फाइन, बुगाटी मेरे को पता है चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है स्नो में, तो मैं काम करता हूँ अभी क्लीन रेसिंग करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि क्लीन रेसिंग करूँगा तो भी मुझे पॉइंट्स मिलता है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स एंड क्रेडिट्स भी मिलता है। तो मेरा गोल होने वाला है अभी बढ़िया क्लीन रेसिंग करना, ठोकने का नहीं किधर भी, क्लीन एंड नाइस रेसिंग करना है। नाइस टर्न बढ़िया था ये, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रहा है। एक और लैप कंप्लीट करने के बाद हमारा रेस खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं ठोकना मत ठोकना मत, अरे स्क्रैच पड़ गया। अरे शिट, मेरे को बढ़िया क्रेडिट्स भी नहीं मिलने वाला अगर मैं 9th पहुँचूंगा तो। अच्छा खासा क्रेडिट चाहिए तो आई हैव टू रीच इन टॉप 3 आई थिंक। इसीलिए मैं बोल रहा था, इसीलिए लिटरली इसीलिए मैंने रेंज रोवर खरीदा, क्योंकि मेरे को पता है रेंज रोवर विंटर में बहुत ज़्यादा बढ़िया चलता है। रेंज रोवर एंड मेरा टोयोटा सुप्रा दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है इस विंटर सीजन के अंदर। स्नो में भी स्लिप नहीं होता, वो कंट्रोल बढ़िया होता है स्नो के अंदर। अगली बार मैं रेंज रोवर से रेसिंग करने वाला हूँ, बुगाटी लेके आ जाऊँगा तो सही में मर जाऊँगा मैं। फिनिश लाइन यहीं पर है एंड वी रीच 9th। शिट यार, ओके 9th, कोई बात नहीं, बुगाटी तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं। मैंने दो तीन बार बुगाटी परचेज करके वापस सेल कर दिया, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आया गाड़ी। दिखता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, क्या प्रीमियम गाड़ी है देखना। नाइस भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाड़ी, बट आई डोंट नो रेसिंग करने के लिए इट्स नॉट अ गुड कार। एक लग्जरी कार है राइट, लग्जरी कार है, रोड पर अगर आपको फ्लेक्स वगैरह करना है तो बुगाटी चल सकता है, बट रेसिंग में बुगाटी इज नॉट अ गुड कार, आई डोंट थिंक सो। तो बुगाटी मैंने खरीद लिया, दूसरा चेक पॉइंट भी हो गया मेरा। पहला था घर, घर को पहले खरीद लिया हमने एंड दूसरा बुगाटी वो भी कर लिया। अबे एक और था मेरे माइंड में, नहीं ओ शिट याद नहीं आ रहा। तो हो गया भाई बुगाटी का, नॉट अ गुड कार, डेफिनेटली नॉट अ गुड कार। तो पहले
फेस्टिवल चलते हैं, फेस्टिवल के अंदर जाने के बाद ऑक्शन हाउस में चलते हैं, विजिट करते हैं। हमारे पास अगर कोई एक्सपेंसिव गाड़ी है पुरानी वाली तो उसको बेच देते हैं, भाई मेरे को नहीं चाहिए। देखते हैं भाई, कोई पुराना वाला गाड़ी है तो मैं बेच दूंगा उसी को। मैं इन सारे गाड़ियों का प्राइस चेक कर रहा हूँ, लाइक कितने में बिकेंगे ऑक्शन हाउस में। तो ये जैगवार वाली गाड़ी 3,27,000 में बिकने वाला है। और राइट, रेंज रोवर ये भी शायद एक्सपेंसिव है थोड़ा बहुत, नहीं 2,00,000 है बस। ओके, यू नो व्हाट, लेट्स गेट इनटू आवर कार, रेंज रोवर। रेंज रोवर के साथ एक दो रेस करते हैं क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है रेंज रोवर इज अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। 2,00,000 की गाड़ी है भाई, इतना बढ़िया, पता है स्पीड देखना, स्पीड हैंडलिंग सब कुछ ऑलमोस्ट 10 है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कार है एक्चुअली। एंड विंटर में स्पेशली बहुत ज़्यादा काम आता है ये। देखिए इसका साउंड देखियो भाई, क्या बढ़िया लग रहा है यार, नाइस भाई। मैं इसको एक्चुअली स्नो पर राइड करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा इजीली चलता है ये स्नो पर, ऑब्वियसली टॉप स्पीड नहीं चल पाता स्नो के ऊपर क्योंकि ड्रिफ्ट करता है ऑब्वियसली। अरे 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 अरे, ठोकना मत। अरे नहीं, मैंने इसको भी ठोक दिया, कम ऑन, व्हाट द हेल। अबे इतना कैसे ठोक दिया मैंने, अभी जस्ट लेके आया मैं रेंज रोवर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नियर बाई कोई तो रेस होगा तो वहीं पर चलता है। मैं दिखाऊंगा भाई, दुनिया को दिखाने वाला हूँ रेंज रोवर की शक्ति। और हाँ, बाय द वे, पिछले वीडियो में मैंने थोड़े बहुत हंसी थिंग्स बोल दिया था, एन वर्ड भी 2-3 बार बोल दिया था मैंने। भाई क्या वो क्राइम है एन वर्ड बोलना? आई एम एन इंडियन तो आई थिंक मैं एन वर्ड बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे फिर। ऑल राइट, सारे लोग वोल्सवैगन एंड ऑडी एंड रेंज रोवर लेके आ गए। सुपर कार से रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है विंटर में। एंड भाई, अरे ठोकता क्यों है साले, बहुत ज़्यादा क्लीन चला रहा हूँ मैं गाड़ी को क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा इजी है इसका, रेंज रोवर का। अरे बोलते ही ठोक देता हूँ भाई, ये गाड़ी का इशू नहीं है, ये मेरा स्किल इशू है। सब लोग सामने ही है, मैंने बहुत बढ़िया कैचअप कर दिया। एंड अभी एक बढ़िया कट मारना है मुझे टर्न के अराउंड, तब मैं आराम से टॉप 3 में पहुंच जाऊंगा। ए भाई हटियो जरा। ओके शिट, ठोका बहुत गंदा, ठोक दिया, कट मारो। ओके ठोक दिया, बट वी आर इन 6 नाउ। एंड यार गैप भी बढ़िया ले सकते हैं हम। अरे भाई गैप ले लिया उन लोगों ने, टॉप 3 वालों ने, पिकअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी। नाइस, यस वी आर इन 5th। नाइस, अरे शिट। ओके पास आ गए हम ऑलरेडी, यहीं पर है, सब लोग यहीं पर है, कम ऑन। यहाँ पर मैं कट मार सकता हूँ आई थिंक, लेट्स सी। यस हो गया भाई, 4th आ गए हम, लेट्स गो। 4th में टॉप 3 पहुँचना ही है भाई मेरे को। ओके टॉप 3 में आ गए हम, लेट्स गो, 1st जा सकते हैं हम आराम से। हाँ मैं गाड़ी को इधर उधर ठोक रहा हूँ, विच इज़ फाइन, मैं रिपेयर कर लूँगा बाद में बस मेरे को। शिट, ओके कंट्रोल हो गया। नहीं भाई नहीं, मेरे को 1st जाना है, मेरे को, मैं 1st आ गया, लेट्स गो, 1st हूँ मैं भाई। नहीं, 1st जाना है भाई, नहीं यार, प्लीज कम ऑन, व्हाट द हेल, कम ऑन भाई, मैं 3rd आ गया। 2:36 में फिनिश किया भाई, 1 सेकंड, लिटरली 1 सेकंड का गैप था। एंड में मैंने थोड़ा चोक कर दिया, कंट्रोल नहीं हुआ गाड़ी मेरा। एंड व्हील स्पिन मिल गया, लेट्स हैव अ हैप्पी एंडिंग, प्लीज पैसे दे दो बढ़िया मेरे को, लेट्स गो भाई, 1,30,000, नाइस। और क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तो एक काम करो, आप अभी के अभी जाकर कमेंट में लिखो मैं क्या करूँ अगले एपिसोड में। मेरे को 4th रिकॉर्ड और एडिट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। भाई आई एम अ कार गाय, तो कार लवर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये गेम। एक मिनी कूपर है यहाँ पर। ओके एनीवेज, लिखो कमेंट में कि मैं क्या करूँ, डेफिनेटली अगले एपिसोड में करने वाला हूँ मैं। तो आई रियली होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।